वेलकम टू द चैनल। वीडियो के टाइटल और ये टाइम लैप्स देख के पता ही चल गया होगा कि आज का वीडियो किस चीज पे होने वाला है। हम ये आइकिया की जर्नी करेंगे हंसते खेलते, थोड़ी सी बुक पढ़ते हुए और लंदन ब्रिज को घूमते हुए। वेलकम टू आइकिया। क्या आपको पता है कि आइकिया Wembley IKEA UK का बिगेस्ट IKEA है और ये 4 लाख स्क्वायर फीट में है। तुझे पता है 4 लाख स्क्वायर फीट कितना होता है? मुझे तो पता भी नहीं है कि एक्चुअली 4 लाख स्क्वायर फीट होता कितना है। अगर आप जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैथ्स पढ़ना चाहिए था इसलिए नहीं पढ़ाएगी। चलो चलते हैं। अरे कहाँ चले हम, रेस्टोरेंट से स्टार्ट नहीं करेंगे? थोड़ा सा पहले हैं। नहीं, पहले हम लोगों को एक्चुअली दिखाएंगे कि आइकिया में क्या होता है और फिर हम खाना खाएंगे। आइकिया आने का मकसद ही बर्बाद हो जाए। और आज बहुत सारी वॉक होगी, तो जब भी आप आइकिया आते हैं ये सोच के चलिए कि आपका 2-4 घंटा बकायदा यहाँ निकल जाएगा आराम से। हाँ, तो खाना और प्लीज स्पोर्ट्स शूज पहन के आइए। यहाँ हीरोइन बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कम इन अ वेरी कंफर्टेबल क्लोथ्स, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आपके शूज कंफर्टेबल हो, क्योंकि स्टार्टिंग के आधा घंटा तो अच्छा लगेगा पर उसके बाद तो आप खाना लेके आइए। आप Wembley में हैं आप, और अगर आप गुजराती हैं तो आप फरसान भी लेके आ सकते हैं। जलेबी फाफड़ा ढोकलो। ढोकलो नहीं होता है, ढोकला होता है ढोकलो। तो मतलब अच्छे से खाना पीना लेके आइए। अगर आप बच्चे लेके आ रहे हैं तो उनके लिए खाना वाना बकायदा लेके आइए। खाना पीना यहाँ 2-4 घंटे तो बीत ही जाएंगे, तो प्लान करके चलिए, प्लान अहेड। और उसके लिए एक प्लानर खरीदिए सॉरी मतलब ले लीजिए, आप फ्री है। मैं ऐसे प्लानर्स आते हैं, आप जैसे जैसे सीन चेंज। आईकिया में ऐसे प्लानर्स आते हैं और ऐसी पेंसिल्स भी आती हैं, तो दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जैसे जैसे आइल्स के थ्रू जाएंगे तो आप यू राइट डाउन द नंबर्स, कौन सा रो है, कौन सा आइल है, सारे लिखते जाइए एंड एट द एंड यू कैन कलेक्ट इट। हाय विशेष। हेलो। हाय। चलो चलें। चलें। थोड़ा रिचा के लिए शॉपिंग करें। चलो। चलो मैं आपको दिखाती हूँ आईकिया। यहाँ पे ऐसे प्रीसेट रूम्स होते हैं, ठीक है, तो आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि आपको कैसी चीज़ें चाहिए। फॉर ऑल द पेरेंट्स दिस इज एक्चुअली अ गुड डील। क्यूट ना। टॉय सेक्शन। टॉय। इसीलिए आइकिया नहीं लाना चाहिए छोटे बच्चों को, और बच्चों के सेक्शन में तो बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। वो देखो पीछे एक बच्चा, दो बच्चे और ये तीसरा बच्चा। अरे रखो, वापस रखो इसको। नहीं। चलो नहीं। चलो वापस, चलो 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 चलो। और आपको मिलेंगे यहाँ पे सुंदर से बेड्स और उनका कवर, जो आप सिर्फ टीवी में शायद देखते होंगे या मूवीज में देखते होंगे, राइट? सो वो सब आप एक्चुअली अपने रूम के लिए कर सकते हैं। ट्राई क्या। और ये रूम तो एकदम ड्रीम रूम जैसा है ना। और आइकिया पे सिर्फ होम फर्निशिंग नहीं, दूसरे आइडियाज भी हैं। अगर आप बेकरी खोल रहे हैं या बुटीक खोल रहे हैं तो यहाँ पे आपको वो सारे आइडियाज मिलेंगे कि आप अपना स्टोर कैसे डिजाइन करें। मुझे भी ऐसा कप चाहिए। और सारे फ्लावर और प्लांट्स के अलावा के लिए ये तो जन्नत है। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, ये आर्टिफिशियल हैं और रियल प्लांट्स भी मिलते हैं, जो मैं आपको थोड़ी देर में नीचे जाके दिखाऊं। ये है एक्चुअल मार्केट हॉल जहाँ पे एक्चुअल सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अभी आपने जितनी सारी चीज़ें ऊपर देखी हैं वो सब नीचे मिलती हैं, उनके सबके प्राइजेस हैं। सो आप अपनी ट्रॉली उठाइए, खरीदते जाइए। ये क्या ले रहे हो?
तुम्हारी चाय जल्दी ठंडी हो जाती है ना? हाँ वो तो जाती है। ये तो चाय के नीचे रखने के लिए। हाँ वो चाय के नीचे नहीं, उसको ऊपर भी रखते हैं। हाँ बट कप इतना बड़ा साइज का होना चाहिए ना, पता चला ये डूब गया। Let me welcome to the real deal. ये वो जगह है जहाँ पे आपको सारा सामान मिलता है जो आपने डिसाइड किया होगा। ऊपर बेड, टेबल, चेयर, सारा फर्नीचर का सामान इधर मिलता है। तो चलो चलते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ सर्विस चेकआउट एरिया। देखिए सामने वहाँ पे आइल्स लिखे हैं जहाँ से आप अपना सामान कलेक्ट कर सकते। तो कैसे ढूंढेंगे आप अपना सामान? यहाँ लिखे होते हैं आइल्स और लोकेशन। तो आपने जितने भी प्रोडक्ट्स ऊपर देखे होंगे उसके साइड में ही सारी डिटेल्स लिखी होती हैं लाइक दिस, जहाँ पे आपको बताया गया होता है कि वो कौन से आइल में है, वो कौन से लोकेशन में है, वो क्या प्रोडक्ट है, ताकि आप गलत चीज़ उठा के ना चला जाए। इंटरेस्टिंग चीज़ें है ना यहाँ पे, मतलब आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, आपको फर्नीचर शॉप पे जाके वेट नहीं करना पड़ेगा डिलीवरी के लिए। आप अपने हिसाब से चीज़ें चूज कर सकते हैं एंड देन आप अपने हिसाब से उठा के भी ले जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट डिलीवरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप कुछ चीज़ डिलीवर करवा रहे हैं IKEA से तो मेक श्योर करिए कि आप बहुत सारा सामान एक साथ ले लें, क्योंकि चाहे आप 10 चीज़ें करें चाहे एक चीज़ डिलीवर करवाएं वो 40 पाउंड्स टू डिलीवरी का लग रही। तो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग गाइस, स्टे ट्यून्ड और वीडियोस के लिए। हमें यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा नहीं तो ये वीडियो रात तक चलता रहेगा। हमें लाइव स्ट्रीम नहीं बनाना है, हमें शॉर्ट वीडियो बनाना था ताकि आप देख सकें कि एक्चुअल IKEA में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आई वुड से आप खुद आइए, खुद एक्सपीरियंस करिए, UK में भी है, इंडिया में भी है। सो आपको जब भी मौका मिले डेफिनेटली जाइएगा और खाना लेके जाइएगा, खाना और पानी लेके जाइएगा, क्योंकि यहाँ दिन बीत जाते हैं। आशा करते हैं आप हमारे ब्लॉग हमारे पास कोई आशा वाशा नहीं है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब। 1 2 3 4